नमस्कार। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। हम आपको 29 टाइप्स के 29 टाइप के ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। ये देखिए, पहला है आइसोलेशन एंड नॉन आइसोलेशन टाइप ट्रांसफार्मर्स। ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है और ये नॉन आइसोलेशन टाइप्स है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग वाइंडिंग हैं। इनका और इनका बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, तो प्राइमरी में और सेकेंडरी में आइसोलेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये वाला है नॉन आइसोलेशन टाइप। इसमें एक ही वाइंडिंग है, उसी से टाइप ले ली है। देखिए, इसी वाइंडिंग में यहाँ से प्राइमरी है और यहाँ से सेकेंडरी है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आइसोलेशन नहीं है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डायरेक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन आइसोलेशन टाइप्स। यहाँ पर आप टच करेंगे तो आपको शॉक लगेगा। अगर इन दोनों की रेटिंग वही हो, मान लीजिए 1 किलोवाट या 1 KVA, तो ये वाला सस्ता पड़ता है। जो घर में ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं, उनमें यही यूज करते हैं। दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसको वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसका काम होता है वोल्टेज का मेजरमेंट करना। ये छोटी रेटिंग का बनाते हैं और उसके आउटपुट में बहुत थोड़ा लोड लगाते हैं। ज़्यादा पावर नहीं होती आउटपुट की, मगर इसका रेशियो आउटपुट वोल्टेज का और इनपुट वोल्टेज का रेशियो बहुत एक्यूरेट होता है, तो ये वोल्टेज का मेजरमेंट सही तरीके से करता है। तीसरा है करंट ट्रांसफार्मर। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ये जनरली 2 टाइप के होते हैं इस टाइप के ट्रांसफार्मर में, जिसको बार टाइप भी बोलते हैं। प्राइमरी एक ही वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग भी नहीं होती है, बल्कि वही तार बीच से चला जाता है। और यहाँ पे 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी की एक सेकेंडरी की। सेकेंडरी में हमेशा लोड लगा रहता है। ये लोड सिटी का हिस्सा नहीं होता, लोड हमको लगाना पड़ता है। चौथा है पावर ट्रांसफार्मर। ये छोटे बड़े सभी साइज के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों तरह के। किसी किसी में तो कई वाइंडिंग होती हैं। ये यूज होते हैं पावर ट्रांसफर के लिए। प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर ट्रांसफर होती है इनमें। इन ट्रांसफार्मर की वोल्टेज एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती। इनको जब हम लोड देते हैं, क्योंकि ये पावर ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट में लोड होता है, तो लोड जैसे से चेंज करते हैं, आउटपुट का वोल्टेज थोड़ा चेंज होता है। फिर पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये हमने सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया है। ये ट्रांसफार्मर यूज होते हैं हमारे घरों को सप्लाई देने के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 33 KVA आ रहा है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और यहाँ 400 वोल्ट इससे घरों को सप्लाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिखाए हैं 4 तरह के। ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब प्राइमरी वोल्टेज से सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करना। प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है और सेकेंडरी का कम होता है। फिर होता है मैनी स्टेप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या करते हैं, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी में कई टैपिंग होती है, इसको स्टेप्स बोलते हैं। आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो इधर ले लीजिए, कम वोल्टेज चाहिए तो इधर से कनेक्शन ले लीजिए, तो वोल्टेज कम ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर होता है मिड स्टेप ट्रांसफार्मर। इसमें सेकेंडरी में टाइपिंग मिडिल में होती है, ये टाइपिंग है जो हमने निकाली है ना, ये टाइपिंग है, मिडिल में टाइपिंग होती है। ये अधिकतर पावर सप्लाई में यूज होता है कि एक डायोड यहाँ लगा दो, एक डायोड यहाँ लगा दो, तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। फिर ये ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेस। ये नॉन आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर की तरह होता है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, यहाँ पे आप वोल्टेज मिल जाएगा।
फिर इसी में एक होता है वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज। ये जो आउटपुट है ये वेरिएबल होता है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ऐसे आप खिसकाइए तो उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। ये आपके कॉलेज में लैब में जरूर होंगे, इसको वैरियक भी बोलते हैं। अब ऑटो ट्रांसफार्मर थ्री फेस, अभी हमने आपको ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेस दिखाया था, वैसे ही होता है मगर थ्री फेस टाइप का होता है। इसी प्रकार होता है वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर थ्री फेस, जैसे सिंगल फेस होता है वैसे थ्री फेस होता है, उसमें तीन वाइंडिंग होती हैं और तीनों चेंज होती हैं, तीनों वेरिएबल होती हैं एक साथ। इसका भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ये दोनों लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत काम देते हैं और सिंगल फेस का भी बहुत काम आता है लैब में। फिर होता है जिगजैग आर अर्थिंग ट्रांसफार्मर, इसमें छह वाइंडिंग होती हैं। देखिए ये दो वाइंडिंग एक साथ लगी हैं, ये दोनों भी लगी हैं, इधर भी लगी हैं, और यहाँ 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 तीन फेस लगा देते हैं लाइन के। ये हाई वोल्टेज में काम आता है और न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं। इसमें और कुछ लोड नहीं होता, ये अर्थिंग करने का काम करता है। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। फिर है कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर RCVT। जब हाई वोल्टेज 33 kV या 220 kV का वोल्टेज पता लगाना होता है, मेजर करते हैं, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इस वोल्टेज को कैपेसिटर से वोल्टेज डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा वोल्टेज आ जाता है, फिर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, इस तरह कास्ट कम हो जाती है। तो जो वोल्टेज यहाँ होता है उसके प्रोपोर्शनल में हमें यहाँ वोल्टेज मिल जाता है। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है अलग से, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। अब 16 है SMPS ट्रांसफार्मर, इसको स्विच ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये SMPS सप्लाई में यूज होता है और हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। इसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी। इसमें इनपुट में मान लीजिए ऐसा स्क्वायर वेव देते हैं तो सेकेंडरी में ऐसे ही आना चाहिए, मगर ऐसा आता नहीं, थोड़ा सा यहाँ राइज टाइम आता है, स्लो। अगर आप नॉर्मल ट्रांसफार्मर लें तो ये बहुत ज़्यादा डिले आएगा। ये SMPS ट्रांसफार्मर जितना बढ़िया होगा उतना डिले और राइज टाइम कम होगा। फिर एक होता है पल्स ट्रांसफार्मर। पल्स ट्रांसफार्मर ऐसा ही होता है, यहाँ पे इधर प्राइमरी में लगातार ऐसी पल्स आती रहती है, मगर पल्स ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक पल्स आती है, एक बार आती है और फिर ख़त्म हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद आती है। ये अधिकतर थायरिस्टर की ट्रिगरिंग के लिए करते हैं कि हर 20 मिलीसेकंड में एक पल्स आ जाए, शॉर्ट पल्स आ जाए, 1 मिली 2 मिली या 10 मिली की। यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी पे पल्स लगातार आती रहती हैं। ये हमने बहुत सारे यूज किए हैं, हजारों की संख्या में। फिर है सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसफार्मर। जो थायरिस्टर कन्वर्टर होते हैं उनमें हम गेट पल्स देते हैं ऐसी, वो गेट पल्स एसी वेव से सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, उसके लिए इस ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, यहाँ पे कंट्रोल सर्किट होता है जो ये पल्स देता है। ये जो पल्स है यहाँ से फिक्स डिले पर आती है, जीरो क्रॉसिंग से। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये पल्स को साइन वेव से सिंक्रोनाइज करने में काम आता है। फिर आता है ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर। ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर में एक डेल्टा वाइंडिंग नहीं होती है। देखिए डेल्टा कनेक्शन है, इसमें हमने दो वाइंडिंग दिखाई, एक नहीं है। ऐसे केस में क्या होता है, जब हम सिंगल फेस लोड लगाते हैं, अगर आप थ्री फेस ट्रांसफार्मर में सिंगल फेस लोड लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है। ऐसे टाइप के ट्रांसफार्मर में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है
और ट्रांसफार्मर का साइज भी छोटा हो जाता है। ये बहुत स्पेशल यूज है और सभी का यूज नहीं करते, ये अधिकतर टेस्टिंग लैब में या कंपनियों के टेस्टिंग डिपार्टमेंट में यूज होता है। अब फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं पावर शिफ्ट करने के लिए। ये ट्रांसमिशन लाइन दिखाई हमने दो हैं, ये सिंगल लाइन डायग्राम है, दोनों में तीन तीन हैं, थ्री फेस ये भी है, थ्री फेस ये भी है। तो इसमें पावर P1 बह रही है, इसमें पावर P2 बह रही है। अब हम अगर हमें पावर कम ज़्यादा करना है, हम चाहते हैं इसमें पावर कम हो जाए, तो इसकी वजह से कर सकते हैं। तो ये पावर शिफ्ट करने के काम आता है। ये पावर यहाँ नहीं चली जाती या ये यहाँ नहीं चली जाती, बल्कि यहाँ की पावर बहने वाली कम ज़्यादा हो जाती है या यहाँ पे बहने वाली पावर कम ज़्यादा हो जाती है। अब 21वां है हाई इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर। देखिए ये एक ट्रांसफार्मर है नॉर्मल, और प्राइमरी में एक इंडक्टर लगा है। कभी कभी हमें इस इंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे VFD में। तो क्या करते हैं, ये और ये दोनों मिला के एक ही ट्रांसफार्मर बनता है। मतलब इसका इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर के अंदर ही आ जाता है, उसको बोलते हैं हाई इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर इन दोनों की कास्ट से मिला के सस्ता पड़ता है और थोड़ा छोटा भी होता है इन दोनों को मिलाकर। तो ये है हाई इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर, ये बराबर है दिस प्लस दिस। अब ये बहुत ही अलग टाइप का ट्रांसफार्मर है, ऑप्टिकल पावर्ड करंट ट्रांसफार्मर। इसको हाई वोल्टेज लाइन की, मान लीजिए 220 केवी की करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसमें नॉर्मल दो वाइंडिंग नहीं होती या कोर नहीं होती, ऑप्टिकल केबल होती है। ऑप्टिकल केबल का एक हिस्सा यहाँ करंट सेंस करता है ट्रांसड्यूसर से, और वो करंट ऑप्टिकल फॉर्म में यहाँ आती है। इसको ऑप्टिकली पावर डेटा लिंक भी बोलते हैं, OPDL। ये सस्ता पड़ता है, आजकल ये काफ़ी यूज होता है। ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये अर्थ पर है, ग्राउंड लेवल पर है, और ये हाई वोल्टेज पर है। तो हाई वोल्टेज की करंट सिग्नल लो वोल्टेज ग्राउंड सिग्नल में हमें मिल जाती है मेजरमेंट के लिए। अब है रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर छोटे छोटे होते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। जैसे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर हमारे पास है, ये करीब 1 इंच बाई 1 इंच साइज का है, मगर इसमें सिग्नल बहुत वीक होता है। अब है कंबाइन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर में इसमें PT और CT दोनों हो, उसको बोलते हैं कंबाइन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये जनरली हाई वोल्टेज में यूज होता है, इससे कास्ट कम हो जाती है और थोड़ा जगह भी कम लगती है। इसमें PT भी है और CT भी है, तो यहाँ पे आउटपुट आपको दो मिलेंगे। हमने एक दिखाया है, एक PT के लिए, एक CT के लिए। अब यह है कास्ट रेजिन ट्रांसफार्मर। तो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, देखिए हमने रेड कलर से दिखाया है, उसको क्या करते हैं, एक रेजिन में मोल्ड कर देते हैं। देखिए ये जो ग्रीन कलर में पूरा मोल्डेड यूनिट है, तो अंदर आपको कोर वगैरह कुछ नहीं नज़र आता, खाली बाहर वायर नज़र आते हैं। इस पे मॉइस्चर का या डस्ट का फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पैनल में बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं। ये CT भी हो सकता है, PT भी हो सकता है। फिर होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसमें ये प्राइमरी है, इधर सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में जब वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो भी सेकेंडरी में कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, मगर वो प्योर साइन वेव नहीं मिलता, थोड़ा सा क्लिप होके मिलता है, डिस्टॉर्टेड वेव शेप मिलता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, एक शंट वाइंडिंग होती है, कैप्चर होता है, और कोर का एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया है, कोर कुछ इस टाइप की हो सकती है। फिर शॉर्ट T टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, बालून टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं,
ऑडियो ट्रांसफार्मर होते हैं। ये ऑडियो ट्रांसफार्मर फुल ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज पर काम करते हैं। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।